हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग पांडुचेरी टी टेन मैन्स की बात करेंगे मैच होगा यहाँ पर टाइटन्स और स्मसर्स के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र करते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में, में लेके जाएंगे कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट रेकअस के बारे में बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट देखते और लास्ट में हमारी फेंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को लेकर जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग कवर करेंगे लेकिन इसके साथ साथ यहां से आपको और भी कई सारी टी और टी चल रही है उसके मैचेस के भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके साथ साथ आप लोग ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करोगे आप क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो के के अपडेट अपडेट इसके साथ साथ लाइनअप बैटिंग ऑर्डर्स मिल जाएगा सब्सिट्यूट लिस्ट प्लेयर मिल जाएंगे इसके साथ साथ जो प्लेयर आखिर में एड होते हैं उनके रिकॉर्ड्स और उनके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे और सबसे लास्ट में यहां पर आपके फायदे वाली बात कि पर आपको हमारी स्मॉल लीग या ग्रांड लीग की फ्री टीम प्रोवाइड की जाएगी तो एकदम फ्री है चैनल यहाँ पर तो जल्दी से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा बात करते हैं इस मैच की तो ये में... सुबह में खेला जाएगा आठ बजकर तीस मिनट पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी ग्राउंड में खेला जाएगा जहां पर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल नूटल और बैलेंस है। अभी देखो रन्स की बात की जाए तो रनस यहाँ पर अच्छे खासे बनते हैं इवन सौ प्लस पिछली कुछ मैचेस के अंदर देखा गया है शुरुआत में यहाँ पर 170 प्लस भी बने थे और मिडल्स में यहाँ पर 130 प्लस भी बने थे तो रन्स यहाँ पर बनते हैं नो डाउट यहाँ पर काफी अच्छे रंस बनते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम नब्बे से सौ रन के बीच में ज्यादा स्कोर बनाए चेजिंग की बात की जाए तो अभी तक टोटल पैंतालीस मैच इस टूर्नामेंट के अंदर हो गए जहाँ पर छब्बीस बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है सिर्फ उन्नीस बार यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए टीम ने जीती है ज्यादातर टीम यहाँ पर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी छोड़कर पहले चेज करना पसंद करते थे चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आ, टाइटन्स की टोटल तो टाइटन्स ने टोटल 11 में से छः मुकाबले जीते हैं और पांच मुकाबले हारे है लास्ट मैच की बात की जाए तो ओपनिंग में यहाँ पर शिवा मुर्गन एम और पलानी सामी परमेश्वरन यानी कि फलानीसामी पी ओपनिंग में आए थे जहां पर फलानी शामी जीरो पे आउट होते हैं ओवरऑल इकतालीस मैच का अनुभव है जहां पर करीब चौबीस के एवरेज से आठ सौ बयानवे रन है सत्रह विकेट निकाली उन्होंने उस दौरान छियासठ ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए शिवा मुर्गन की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस इन्होंने अच्छे जरूर दिए बयालीस और बाइस जैसे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पर टीम के कप्तानशिप करवा रहे हैं चाहो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिस्क ले सकते हैं क्योंकि पिछली कुछ मैच के अंदर ये टॉप में जरूर खेल रहे हैं इसके साथ विवेक राजेंद्रन की बात की जाए तो ओवरऑल फिफ्टी मैच में करीब बीस के एवरेज से यहाँ पर छह

हालांकि 20 से ज़्यादा बार ये सिर्फ तीन बार गए हैं पूरी टूर्नामेंट में ग्यारह मैचेज की बात की जा रहा हूँ यहाँ पर आ, इसके अलावा ऐसे डापानी बाला सुब्रमण्यम ने शुरुआत अच्छी की थी 37 के साथ इसके बाद पिछली दोनों मैच के कुछ खास नहीं किया इनका पिछला टूर्नामेंट भी कुछ ऐसा ही था हालांकि ध्यान में रखिएगा ये कभी कभार ओवर्स करवा लेते हैं और जब ये ओवर्स करवाते हैं तब इफेक्टेड रहते हैं ध्यान में रखिएगा इनको कभी कभार बड़े एडवांटेज देते हैं ओवर्स से इसके अलावा जैसे देश दीपक चौहान ने एक बार फिर से यहाँ पर लास्ट मैच के ने ओवर्स नहीं करवाए बाकी रिसेंटली ओवर्स नहीं करवा रहा है जहाँ इन्होंने शुरुआत में बीच में मिडल्स में यहाँ पर ओवर्स करवाई थी और काफी अच्छा एडवांटेज भी दिया था शुरुआत में भी दोनों मैच के ने ओवर्स करवाते हुए उन्होंने विकेट निकाली थी तो कहीं ना कहीं इनको ड्रॉप करना तो रिस्की है एज अ प्लेयर ऐसे इनको लेके जाना पड़ेगा इसके साथ साई शरण भाई एज अ प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कप्टन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ है लास्ट मैच के ने चौबीस रन के साथ एक विकेट निकाली शुरुआत में दोनों मैच के अंदर विकेट मिली फिर दोनों मैच के विकेट लेस रहे लास्ट मैच के अंदर विकेट निकाली अगली मैच के अंदर भी आप एक एकाधि विकेट जरूर निकालेंगे इसके साथ यहाँ पर आदित्य सुरेश एक अनुभवी प्लेयर है लेकिन यह टूर्नामेंट इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा आई थिंक इनका पिछले टूर्नामेंट की बात की जाए तो वहां पर इनके सामने बेट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और इस टूर्नामेंट के अंदर वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं हालांकि फिर भी इन्होंने दो बार विकेट जरूर निकाली है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा इनको एक बार फिर से आप लोग स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं विकास गुप्ता का विकास नहीं हुआ लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाए भी करवाएंगे विकेट भी निकालेंगे इसके साथ बात करते हैं एस राजाराम जो कि डिफॉल्ट कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है मैक्सिमम पब्लिक के कप्तान रहेंगे और हमारी टीम के भी रहने जाए भाई ये बंदा कंसिस्टेंट विकेट भी निकाल रहा है जहां जहां बैटिंग कर रहा है वहां पर ग्यारह पंद्रह जैसे

साई सरा ने डेथ में डाला था इसके अलावा बेंच में से कोई प्लेयर खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड और उनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ी रहेगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से लिंक, लिंक ज्वाइन करना है आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्मैशर्स की ग्यारह में से नौ मुकाबले जीते हैं दो मुकाबले हारे हैं ओवरऑल काफ़ी सक्सेस टीम रही है ओपनिंग में यहाँ पर अक्षत बाघेल और इनके साथ यहाँ पर राघवन रामामूर्ति ने ओपनिंग करवाया था रामामूर्ति जो कि एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी बाकी अक्षत बाघेल की बात की जाए तो इनको लेके जाना आई थिंक यहाँ पर अभी के लिए खतरा है हालांकि पिछली दो मैच में इन्होंने ओपनिंग जरूर करवाया लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं है ये टॉप में खेल जरूर रहे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है कुछ खास इसके अलावा ऐसे बात करते हैं प्रभु सेंथीलाल शेंगू लथन की जो कि दो मैच खेले दोनों मैच के अंदर ऊपर से खेलने का इनको मौका मिला पहली मैच के अंदर तीन रन दूसरे मैच के अंदर नौ रन ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो टोटल तो ग्यारह मैच में करीब छियालीस की वजह से यहाँ पर दो रन है आठ विकेट है राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ यहाँ पर ऑफ ब्रेक गेंदबाज है इसके साथ सीडक गुरविंदर सिंह की बात की जाए लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर इनके ऊपर मुझे गुस्सा जरूर आया क्योंकि इतना जबरदस्त प्लेयर है यहाँ पर और काफ़ी तगड़ा सीनियर प्लेयर है और उसी के बेजिस पर हमने इनको कप्तान किया था लास्ट मैच के अंदर हालांकि हमने इनको पहली मैच के अंदर भी कप्तान किया था अभी देखो वहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर इन्होंने वोस नहीं करवाई यहाँ पर भी ओस नहीं करवाई बीच में दो मैच के अंदर हमने इनको एज अ प्लेयर लिया जहाँ पर दोनों ही मैच के अंदर इन्होंने वोस करवाई और सेकंड लास्ट मैच के अंदर तो विकेट भी निकाली थी भाई क्या है क्या दिक्कत क्या है आपको यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं कर रहे और बहुत बड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज रहा हालांकि इन्होंने तीन कैच जरूर की थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार ओवर्स करवाना चाहिए सीनियर प्लेयर है और लास्ट मैच के अंदर जरूरत पड़ी नहीं लेकिन पड़ेगी तो जो लोग रिस्की खेलना चाहते हैं ना अभी भी इनको कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं मैंने रिस्क लिया था लास्ट मैच के अंदर और काफ़ी नुकसान भी हुआ इसका और इसके लिए मैं आपसे क्षमा श्याम, चाहूँगा लेकिन है देखो लॉजिक है इनको कप्तान करने में अभी भी लॉजिक है क्योंकि अनुभवी प्लेयर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करना जानता है हर्ष वैष्णव ने लास्ट में के एक विकेट निकाला था इसके पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा एक बार यहाँ पर चौंतीस जरूर किए थे लव कुमार एज ए प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में के अंदर तो मैंने इनको वाइस कप्टनशिप दी थी बहुत ही तगड़ा एडवांटेज दिया इन दोनों ने मिल यहाँ पर अच्छा Uh, अच्छा लॉस करवाया दोनों ने मिलकर लेकिन एक बार फिर से आप लोग भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर अजय कुमार वेरी इंपोर्टेंट पिक एन अजय कुमार यानी कि नल्ला नल्ला अजय कुमार है लेकिन काफ़ी काम के हैं आज जयशंकर की बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट में के अंदर बैटिंग या बॉलिंग से एडवांटेज नहीं रहा सॉरी uh, यहाँ पर नाम में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर रघु रघु धनकी रमन ने होस्ट नहीं कराया इसके पहले कर यहाँ पर मैचेस के अंदर होस्ट करवाया उसके अलावा ऐसे संभर पर एक की बैटिंग नहीं आई विकेट कीपर बल्लेबाज कोई चॉइस नहीं तो ले सकते हैं क्योंकि शुरुआत की मैचेस में ये टॉप में खेले हुए हैं इसके अलावा ऐसे अश्विनी अश्विनी शगन ओके ओके रहेंगे यहाँ पर मोना कृष्णन डी इनके ऊपर किसी की नज़र नहीं लेकिन पिछली तीनों मैच का ना भाई साहब ने यहाँ पर दबाके एडवांटेज दिया है ले सकते हैं ओमर पटनी एज अ प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है इनको तो लेके ही जाना है स्टार्टिंग में पल्लव कुमार नल्ला अजय कुमार दे थ में पल्लव कुमार एम डी दुराई सामी दे में आएंगे इसके अलावा बेंच में से कोई प्लेयर खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड और उनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करना है अभी के लिए देखते हैं हमारी डेमो फेंटासी टीम की आवश्यकता है कौन से प्लेयर को लेकर जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग पर ड्रॉप कर सकते हैं तो विकेट सेक्शन से सेवा मुर्गन एम को लेके जा रहे हैं इसके अलावा लोग यहाँ पर संभव पर ले सकते हैं इन दोनों में किसी एक को लेना है बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आर रामामूर्ति और पी लोगेश हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे इसके अलावा यहाँ से और किसी आई थिंक यहाँ पर रिश्की रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर दो प्लेयर हैं जिसमें से एस राजाराम और सिडक गुरविंदर सिंह हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे यहाँ पर आप लोग राहुल जयशंकर और देश दीपक चौहान दोनों को ले सकते हैं ये दोनों आपके लिए सेफ ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए खास यहाँ पर आ, इसके अलावा से बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो पर तेजवीर सिंह है इनके साथ यहाँ पर विकास गुप्ता है ओमर पटनी है लव कुमार है साई शरण वाई है इसके अलावा मैंने एम डी डुरायसामी को लिया है जो कि है ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले लेकिन बंदे का परफॉर्मेंस जबरदस्त हालांकि अभी भी ये लाइनअप में रहेगा तो ही हम लोग लेंगे अगर ये सबसे जो लिस्ट में है तो हम लोग इनको नहीं लेंगे फिर क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं है आएंगे नहीं आएंगे कन्फर्म नहीं है टीम के कप्तान हमारे यहाँ पर राजा राम रहेंगे वाइस कैप्टन एक बार फिर से रिस्क लिया है मैंने यहाँ पर गुरविंदर के ऊपर बाकी अदर ऑप्शन की बात की जाए तो है यहाँ पर जो कि मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आप लोग कर सकते हैं आ, बाकी टीम यही रहेंगी इसमें अलग ही लाइनअप के बाद जो भी आखिरी अपडेट और आखिरी हमारी स्मॉल लीग ग्रांड लीग की टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम में दी जाएगी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ी रहेगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी लिंक से ही टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना रहेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है शेयर करना है कॉमेंट करना है और साथ में आप पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगे क्या करना कुछ नहीं सिंपल सी बात है वीडियो को देखना है पूरा देखना है अच्छे से एनालिसिस करनी अच्छी टीम बनानी है अच्छी विनिंग करनी है हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय धन्यवाद जय हिंद जय भारत